डॉक्टर निजी हस्पताल सरकारी मंत्री संतरी जिन्हां ने करोना नूं एक अफसर की तरह वरत्या किसानां दे करजे जिहड़े आ ओह माफ कीते जाणगे पर किसानां दी किसे ने बाह नहीं फड़ी। करजा माफ करना उत्ते जोर तां की पाउणा सी सगों ये कह दिता कि जिहड़ा किसानां दा करजा आ इस करके चढ़िया होया क्योंकि वह वड्डियां वड्डियां कोठियां पा के बैठे आ। किंगफिशर एयरलाइन दे सिर जिहड़ा आ वह टोटल करजे का 32% आ। खालस टीवी नूं दिल दीआं गहराइयां विच्चों प्यार करन वाले दोस्तों साढ़े विशेष प्रोग्राम स्पैशल चर्चा विच तुहाडा स्वागत है। होस्ट कमलजीत सिंह बनवैद दी सति श्री अकाल। कोरोना दीआं एक ते दो लहरां आ चुकियां ने, तीजी दा डर हल वी वड वड खा रहा सरकारां नूं ते लोकां नूं। सरकार हो सकता है उपरों उपरों हमदर्दी दिखा रही होवे पर लोग तां सहमे पए आ, घट्टो घट ओ जिन्हां दे परिवारां दे जी चले गए, जिन्हां दे कारोबार जिहड़े आ ओह बंद हो गए, लोकां दीआं नौकरियां चले गईआं। अजिहे लोकां नाल जिहड़ी सहानुभूती दा प्रगटावा करदिआं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक फैसला लिया कि जिहड़े बच्चे करोना दौरान अपने माँ पे गवा चुके हैं उन्हां कोलों कोई फीस नहीं ली जाएगी। ट्यूशन फीस तो पासे रही, जिहड़ी प्रीख्या फीस आ उह तों भी छूट दे दित्ती गई आ। ते अजिहे बच्चे जिहड़े किसे ते निर्भर करदे सन ते उह भी रब नूं प्यारे हो गए, अजिहे बच्चिआं दी जिहड़ी फीस आ वह भी मुआफ आ। यह एक चंगी खबर आ साडे लई, तुहाडे लई, समाज लई। पर इहदे नाल ही करोना नूं लैके एक जिहड़ी कुल्लू तों बहुत वधिया खबर आई आ वह चंगीआं खबरां विच जिहड़ी आ शुमार करनी बणदी आ, वह इसका जिक्र विशेष तौर पर करना बणदा क्योंकि कुल्लू दे कोल पेंदे कुछ इलाके विच करोना दे खिलाफ टीकाकरण करन लई पिछले दिन डॉक्टर 8000 फुट की चढ़ाई चढ़ के गए आ। 35 किलोमीटर का रास्ता तय करन लई उन्हां नूं 5 घंटे पत्थरां उपरों दी तुर के जाना पिया, किधरे किधरे नदियां विच भी लंघना पिया, पर क्योंकि उन्होंने ठान ली सी कि करोना तो बचा के रखना अपने देशवासियों नूं, अपने राजवासियों नूं। पता ये लगा कि हिमाचल प्रदेश विच 100% लोगों जिहड़ी पहली डोज आ टीके दी वो लग चुकी आ, ते दूजी डोज लाउण दा जिहड़ा टीचा आ वो छेती ही सर होण वाला आ। सो इसे जिहड़ा मंजिल आ उहदी प्राप्ति लई डाक्टरां दी टीम 8000 फुट ते जाके जिहड़ा आ वैक्सीनेशन टीकाकरण करके आई है करोना के खिलाफ। पर इत्थे इक गल होर जिहड़ी दसण वाली बणदी आ उह कि हिमाचल दा उह एरिया जिथे जाके ये डॉक्टर टीकाकरण करके आए आ इन्हां पिंडां विच किसी नूं करोना नहीं सी होया, ना पहली लहर दौरान ना दूजी लहर दौरान। दूजे बन्ने मेरी अखां के घूम आए बड़े सारे वो डॉक्टर निजी हस्पताल सरकारी मंत्री संतरी जिन्हां ने करोना नूं एक अफसर की तरह वरत्या, अपॉर्चुनिटी की तरह वरत्या, पैसे नाल जेबां भर लईआं। पर चंगी खबर दसदिआं हिमाचल दे उन्हां डाक्टरां बारे मैनूं गर्व हो रहा, मैनूं माण महसूस हो रहा कि मेरे देश विच वाकई अजे अजिहे डाक्टर हन
ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਹ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਣ, ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਸਨ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅਹੰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੂਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਆ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਕਿ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਢਿੱਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੜਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਪਿਓ ਗਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤ 3-wheeler ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣਾ ਬੈਟਰ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5-5 ਲੱਖ
2-2 लख डेढ़ डेढ़ लख 50-50 हज़ार वाले लोग आ उन्होंने करजे जड़े आ वो मुआफ़ नहीं किए गए सगों वो जिंदगी जरा अलविदा कह बेहतर समझते आ क्योंकि मैं एक रिपोर्ट के हवाले कह रहा कि जोड़ा पंजाब का किसान आ औसतन किसान जोड़ा आदि सिर 2 to 5 lakh तक का करजा आ जोड़ा मजदूर आदि की करजे की पंड जी सिर्फ 50,000 तो लैके 1.5 lakh तक आ सो इन्ने छोटे करजे लैके जोड़े किसान आ मजदूर आत गले ला रहे अंकड़े दसते कि हर रोज़ 7 लोग जड़े आ करजे तो दुखी होकर खुदकुशी कर रहे आ देखो सरकारी अंकड़े मुताबक 1104 दे जिहड़े करीब आ वो लोग हर साल खुदकुशी कर रहे आ पर जे आपां एक होर जिहड़ी NCRB दी रिपोर्ट आ उत्ते झात मार लईए तां उन्होंने कहा कि 7 लोग जिहड़े आ करजे तों दुखी होकर जान दे रहे आ तो इस तरह गिणती जिहड़ी आ उस साल दी 2500 तों उपर बणदी आ। हुण मेरे एक मन च ख्याल भी आ रहा तो मैं अंकड़े भी जिहड़े जानने की कोशिश की आ कि एक पासे 50,000 करजे वाला जिहड़ा मजदूर आ जां 1.5-2 lakh वाला जिहड़ा किसान आ वो मौत नूं गले लगा रहा दूजे पासे जिहड़े कारपोरेट घराने आ 15 lakh crore रुपए जिहड़े आ वह सरकारां दे दब्बी बैठे आ। दूजे अर्थां विच ये कह लां कि उन्होंने बैंकों तो 15 lakh crore का कर्जा लिया हुआ जिहड़ा कि वह मोड़न का नौ नहीं लै रहे। अंकड़े भी दसदे आ कि भारत के लोगों सिर सिर्फ तो सिर्फ जो आप कह लिए कि भारत के लोगों सिर 8 lakh crore का कर्जा आ सो जे जिहड़े साडे कारपोरेट घराने आ उन्हां कोलों 15 lakh की उगराही कर ली जाए तो 8 lakh करजा जिहड़ा आ भारत के लोगों का उत्ते लीक मार दिती जाए तो फिर भी सरकार को 7 lakh crore बचदा तो जे 7 lakh crore देश के विकास से लाता जाए तो साडा देश अमरीका या कनेडा नालों पिछे नहीं रहन लगा। तो साडे जिहड़े मंत्रियां विधायकों की रिपोर्ट आ कि पंजाब का किसान इस करके करजाई आ कि उहदा जिहड़ा पुत आ उह विदेशां नूं उडारी भर रहा तो किसान दे पुत नूं विदेशां नूं उडारी भरन की लोड़ ना रह जाए। हुण एक गल होर पंजाब सिर 3 lakh crore का करजा आ इहदे उल्ट आपां कह लईए कि जिहड़ा पंजाब का किसान आ उहदे सिर 90,000 crore का करजा आ। मैं एक जिहड़े होर अंकड़े थोड़े सामने पेश कर रहा वो ये कि पिछले समय दौरान सरकार ने बिल्कुल इन्ने अमाउंट 90,000 crore अमाउंट जिहड़ा आ उहदे उत्ते लीक मार दित्ती क्योंकि जिहड़े व्यापारी आ वड्डे घराने आ वह करजा मोड़न दे असमर्थ आ। सो 90,000 crore जिहड़ा आ वह कुछ जिहड़े असर सूख वाले लोग आ उन्हां दा माफ़ किया जा सकता तो पंजाब की जिहड़ी एड्डी वड्डी आबादी आ उहदा 90,000 crore माफ़ करन विच की दिक्कत आ। पता यह भी लगा कि 100 top के जिहड़े कारोबारी आ उन्हां सिर 8 lakh crore का जिहड़ा करजा आ वह नहीं आपां कह रहे उन्हां सिर जिहड़ा आ 84,672 crore का करजा चढ़िया होया। दुबारा दोहरा दें कि 100 top के जिहड़े साडे व्यापारी आ साडे कारोबार घराने आ उन्हां सिर 84,732 crore का करजा आ। तो RBI ने 68,600 crore रुपए ते बखरी लीक मारी हुई आ। जे बड़े बड़े लोग व्यापारी जिहड़े आ कारपोरेट घराने आ उन्हां दे पूरे दे पूरे करजे दी लीकी बच सकती आ तो पंजाब जिहदे जिहड़े किसान आ जां मजदूर आ उन्हां दे करजे ते जिहड़ी लकीर आ वह क्यों नहीं मारी जा सकती। एक होर जिहड़े अंकड़े सामने आए आ वो ये कि गीतांजलि जेम्स अते किंग फिशर एयरलाइन दे सिर जिहड़ा आ वो टोटल करजे का
32% आ। ते अजिहे जिहड़े साढ़े बड़े बड़े व्यापारी आ वह भी हैगे आ जिहड़े करजा लैके बगैर मोड़िया विदेशों भज गए जा भजा दिते गए। ये उल्ट आम बंदा जिहड़ा आ जे वह करजा नहीं मोड़ सकता 1.5 लाख का 50,000 का 5 लाख का तां उहनू नोट्स भेजे जा रहे आ जेलां पिछे डक्कण दे जिहड़ी धमकी दित्ती जा रही आ जमीनां दी कुरकी करन दी तैयारी की जा रही आ। पर जिहड़े वड्डे मगरमच्छ आ जिहड़े कई कई हज़ार करोड़ का करजा लई बैठे आ उहनां नूं कोई हथ पाउण दी लोड़ नहीं समझदा। हाँ एक गल होर जिहड़ी सामने आई आ उह इह कि सरकार ने जां बैंकां ने कह लईए आपां विशेष तौर पर उह इह कि इन्हां कारपोरेट घराणियां दा जिहड़ा करजा माफ़ करन दा एक नवां तरीका लभ रहा। वो तरीका यह आ कि जिहड़े बैंक आ उह असल गाहक कोलों 60% जिहड़ा आ करजे की वसूली करके केस बैड बैंकां नूं देण लग गए। जां पए कह लईए दूजे अर्थां विच कि बैंक बैड बैंकां कोलों कुल करजे का 60% लै के जिन्हां कारपोरेट घराणा ने करजा लिया होया उन्हां नूं बरी करन लग गए। बैड बैंकां का कहना यह आ कि वह जिन्ना अमाउंट उन्होंने बैंक नूं दिता उहदी संपत्ति बेच के उहदी जायदाद बेच के जां किसी ना किसी रूप में रिकवर कर लेंगे। सो बैड बैंक किन्ने कु सफल होया इहदे बारे हले कोई जिहड़ी आ उह पुख्ता जानकारी नहीं मिली। पर एक जिहड़ा सवाल आ उह मेरे मन च फिर बार बार उठ रहा कि 50,000 करजे वाले जिहड़े आ उहनां नूं सूलिए टंगिया जा रहा उहनां उह जिहड़े आ मौत नूं गले लाउण लई मजबूर आ पर जिहड़े लखां करोड़ दा करजा लैके बैठे आ उहनां वल कोई झाकदा नहीं उहनां दी हवा वल नहीं कोई देखदा। सो गल मैं मुड़ के लिया रहा पंजाब सरकार ते कि पंजाब सरकार जां कांग्रेस पार्टी जिन्हें चोन मैनीफेस्टो विच किसानां मजदूरां दा करजा माफ़ करके सत्ता हासिल कीती सी हुण जदों कार्यकाल 5 सालां दा बिल्कुल नेड़े आ रहा तां घट्टो घट्ट हुण इस बहाने नाल कि अगे फिर वोटां आ रही लोगों को जाना उही पुराने वादे लैके उही नवे शब्द विखा के तो घट्टो घट्ट हुण जिहड़ा करजा आ उहदे उत्ते लीक मार दी जाए। ये लीक मारन नाल जिहड़ा गरीब आ उह बेचारे दा जिहड़ा आ गुजारा चल पू पर सियासतदान जिहड़ा आ उह हमेशा दी तरह खट्टी खट जाऊ। बहाना कोई भी होवे बहाना वोटां दा होवे बहाना मुड़ के ताकत बचाउण दा होवे जां फिर सचमुच ही जिहड़ी आ पार्टी आ उह गरीबां दी मजदूरां दी लोड़वंदां दी हमदर्द होण दा करदी होवे। पर वधिया गल इह आ कि जे लखां करोड़ां दा करजा लै के विदेशां नूं डाड़ी भर सकदे आ इत्थे अपने करजे ते लीक मरा सकदे आ तां बेचारा मजदूर किसान जिहड़ा आ उहदे वल सवली नज़र नाल क्यों नहीं देखिया जा रहा। इस वेले हुण जदों सरकार अपने आखिरी दिनां ते आ तां उम्मीद कीती जाणी बणदी आ कि 4.5 साल पहलां कीता वादा हुण पूरा चढ़ा दिता जाए। इहो आस असीं करदे आ जे मोतियां वाली सरकार कोलों नहीं तां घट्टो घट्ट हुण दे जिहड़े बणे मुख्यमंत्री आ चरणजीत सिंह चन्नी कोलों बाकी मोतियां वाली सरकार दे जिहड़े लमकदे वादे आ चन्नी साहब 100 दिनां 'च पूरे किन्ने कु गंभीरता नाल करदे आ कर भी सकदे आ कि नहीं ये एक सवाल हाल दी घड़ी घड़ा तुहाडे मूहरे मेरे मूहरे समाज मूहरे। अज दा जिहड़ा साडा विशेष खालस प्रोग्राम आ इहदे विच इन्ना ही काफ़ी। सोमवार नूं मिलांगे एक नवे मुद्दे नूं लैके तद तक तुसीं कमलजीत सिंह बनवैत नूं दिओ इजाजत। मैं मंगदा तुहाडे कोलों इजाजत ते चाहुंदा हाँ कि तुसीं तंदुरुस्त रहो खुश रहो अपना जिहड़ा समां आ उह वधिया गुजारो। धन्नवाद शुक्रिया मेहरबानी।